Good morning, students. So, um, welcome to your maths class. So, students, in today's maths class, we are going to start the new chapter from your maths textbook, the chapter number 10. The title of the chapter is Measurement of Weight. Here we will learn about the measurement of weight. So, shall we start? We have learned in earlier classes that the standard unit of weight is kilogram, which is uh, whose abbreviation is kg. So, standard weight to uh, sorry, standard unit to measure the weight is kilogram or kg. We use kilogram to weigh heavy things and use gram to weigh the lighter things. सो so, हम जो है हम जो भारी होती है वजन में चीज़ें उनके लिए हम किलोग्राम यूनिट यूज़ करते हैं और जो वजन में हल्की चीज़ें होती हैं उनके लिए हम ग्राम यूनिट यूज़ करते हैं यानी जी उसका शॉर्ट फॉर्म हम जी लिखते हैं किलोग्राम का शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म हम के जी लिखते हैं ओके नाउ वी वे सैक ऑफ वीट इन किलोग्राम्स बिकॉज जो uh, सपोज एक गेहूँ की बोरी है तो उसका वेट हमेशा हम किस में फाइंड uh, आउट करेंगे उसका वेट हम किलोग्राम्स में फाइंड आउट करेंगे है ना? लेटर्स एंड पार्सल्स इन ग्राम्स जो लेटर्स होते हैं या पार्सल्स होते उनका वेट ऑब्वियसली इट इज लाइटर इन वेट दैट्स वाई वी वे इन ग्राम्स अ पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स इन ग्राम्स सो यू ऑल ऑलमस्ट हैव ईटन दी चिप्स फ्रॉम द पैकेट सो दोज पैकेट्स आर वेरी लाइट इन वेट सो ओब्वियसली वी वे दोज पैकेट्स इन ग्राम्स अ पर्सन इन किलोग्राम्स सो वी वे आवर वेट इन किलोग्राम्स जो हमारा वजन होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं उसके लिए हम किलोग्राम्स यूनिट यूज करते हैं देन राइस एंड शुगर इन

अ ट्यूब ऑफ़ फेविस्टिकेविस्टिक इन ग्राम सो यू मस्ट है ट्यूब ऑफ यू मस्ट है ना तो वो जो गम का बॉटल होता है वो ऑबियसली इट इज़ वेरी लाइट इन वेट दैट्स वाई वी मेजर इट्स वेट इन ग्राम्स ओके नाउ वी ऑल मस्ट बी नोइंगट वन किलोग्राम इज इक्वल टू वन थाउजेंड ग्राम यू ऑल आर अवेयर दैट वन किलोग्राम इज इक्वल टू वन थाउजेंड ग्राम्स तो वन थाउजेंड ग्राम्स जब हम इकट्ठा करेंगे तो उसका वेट इज इक्वल टू वन किलोग्राम वन थाउजेंड ग्राम का वेट जो होता है इट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ वन किलोग्राम ओके सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इक्वेशन वन किलोग्राम इज इक्वल टू वन थाउजेंड ग्राम्स दिस यू नीड टू डू द कन्वर्जेंस ओके सो सम स्टैंडर्ड वेट्स यूज फॉर वेइंग थिंग्स आर शोन बिलो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड वेट्स दिखाए गए हैं टू वे दिंग्स टू वे दिंग्स वी नीड दो स्टैंडर्ड वेट्स सो इन स्टैंडर्ड वेट्स के हिसाब से हम कोई भी चीज़ वे करके ले सकते हैं किसी भी चीज़ का वजन करके हम तोल के ले सकते हैं सो फर्स्ट वन इज द हेवीस्ट वन इज फाइव के जी वेंग ब्लॉक देन टू के जी वेइंग ब्लॉक वन के जी वेंग ब्लॉक इसका है फाइव हंड्रेड ग्राम इसका है टू हंड्रेड ग्राम इसका है हंड्रेड ग्राम यू मस्ट हैव सीन दिस वेइंग ब्लॉक्स इन द ग्रीन ग्रॉसर शॉप है ना जो हमारे बनिया की दुकान होते हैं नॉर्मली वहाँ पे होती है ऐसे वाले वेइंग ब्लॉक्स या सब्जी लेने जाते हैं तो उसके पास भी होते हैं ऐसे वाले वेइंग ब्लॉक्स नाउ डेज दे दे आर यूजिंग डिजिटल वेइंग स्केल्स बट इन अर्लियर टाइम दे यूज टू यूज़ दीज वेइंग स्केल्स टू वे द थिंग्स ना वी नो दैट टू फाइव हंड्रेड ग्राम वेट्स मेक वन के जी अगर हम दो फाइव हंड्रेड ग्राम के वेट्स लेंगे फाइव हंड्रेड और आर एक फाइव हंड्रेड का ब्लॉक लेंगे ऐसे दो फाइव हंड्रेड के ग्राम के ब्लॉक्स लेंगे तो उसका टोटल वेट कितना बनेगा इट इज़ इक्वल टू वन के जी इट इज़ इक्वल टू वन किलो ग्राम जैसे दो फाइव हंड्रेड ग्राम का वेट होगा इक्वल टू वन किलो ग्राम और फाइव हंड्रेड ग्राम और हम उसके उल्टा भी बोल सकते हैं फाइव हंड्रेड ग्राम इज नथिंग बट दी हाफ ऑफ वन के जी अगर हम वन किलो का हाफ़ कर देंगे वन किलो को आधा कर देंगे तो उसका वेट कितना होगा उसका वेट इज़ इक्वल टू फाइव हंड्रेड ग्राम नेक्स्ट फाइव टू हंड्रेड ग्राम वेट्स मेक वन के जी अगर हम पाँच टू हंड्रेड ग्राम के वेट्स को इकट्ठा करेंगे जैसे ये है टू हंड्रेड ग्राम का ब्लॉक ऐसे पाँच और ब्लॉक्स लगाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव इफ़ यू पुट दिस फाइव टू हंड्रेड ग्राम ब्लॉक्स टूगेदर देन दे विल वेट इक्वल टू दन के जी ओके सो टू हंड्रेड ग्राम के अगर हम पाँच ब्लॉक इकट्ठा रख देंगे और उनका वजन करेंगे इफ़ यू वे देम तो उसका वेट कितना होगा इट इज़ इक्वल टू वन किलोग्राम और उल्टा भी बोल सकते हैं दैट इज़ टू हंड्रेड ग्राम इज़ इक्वल टू वन फिफ्थ ऑफ वन के जी अगर वन किलो का वन फिफ्थ करेंगे वन किलो को फाइव से डिवाइड करेंगे और हम वन किलो का वन फिफ्थ पार्ट लेंगे सो इट विल वे इक्वल टू टू हंड्रेड ग्राम वन फिफ्थ ऑफ वन के जी इज इक्वल टू टू हंड्रेड ग्राम्स सिमिलरली टेन हंड्रेड ग्राम वेट्स मेक वन के जी इफ वी पुट टूगेदर टेन हंड्रेड ग्राम वेइंग ब्लॉक्स देन दे विल वे इक्वल टू वन के जी अगर हम ये हंड्रेड ग्राम के दस ब्लॉक इकट्ठा रख देंगे एक साथ रख देंगे और उनका वजन करेंगे जैसे यहाँ पे हंड्रेड ग्राम के दस ब्लॉक लेके आ गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे टेन ब्लॉक्स इकट्ठे रख देंगे और उनका वजन करेंगे वेट करेंगे तो दैट वेट इज इक्वल टू दी वेट ऑफ वन किलोग्राम ओके सो एंड उसका ही उल्टा हम क्या बोलेंगे हंड्रेड ग्राम इज इक्वल टू वन टेंथ ऑफ वन के जी वन टेंथ ऑफ वन के जी इफ वी डिवाइड वन किलोग्राम बाई दी टेन वी गेट वेट इक्वल टू हंड्रेड ग्राम अगर हम वन के जी को टेन से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना वजन मिलेगा इट इज़ इक्वल टू हंड्रेड ग्राम या हम टेन के जी को दस हिस्सों में डिवाइड करेंगे सॉरी अगर हम वन किलो को दस हिस्सों में डिवाइड करेंगे इफ़ वी डिवाइड

यू uh, must बी नोइंग that हाउ टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ़ वेट्स सो हम जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट्स करते हैं उसमें किलोग्राम्स में किलोग्राम वाली क्वांटिटी लिखते हैं और ग्राम्स के नीचे ग्राम्स वाली क्वांटिटी लिखते हैं एंड राइट uh, और जब भी हम ग्राम्स को लिखना लिखते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन जो भी करते हैं उसके समय वी राइट ग्राम्स इन थ्री डिजिट देखो यहाँ पे थ्री डिजिट्स में लिखा है जैसे दे वांट टू ऐड ट्वेंटी फाइव के जी फिफ्टी ग्राम एंड फोर्टी एट के जी नाइन ग्राम ट्वेंटी फाइव के जी और फिफ्टी ग्राम को ऐड करना है फोर्टी एट के जी एंड नाइन ग्राम्स में तो पहले के जी वाली क्वांटिटी लिखो के जी में क्या है ट्वेंटी फाइव एंड फोर्टी एट सो के जी में ट्वेंटी फाइव प्लस फोर्टी एट अभी ग्राम वाली क्वांटिटी लिखो फिफ्टी ग्राम है ये कितनी ग्राम है फिफ्टी ग्राम सो so, फिफ्टी ग्राम को हमने थ्री डिजिट्स में लिखना फिफ्टी मतलब वन्स प्लेस में आएगा जीरो टेंथ प्लेस में आएगा फाइव था हंड्रेड प्लेस में आएगा जीरो सो ज़ीरो फाइव जीरो लिखेंगे ग्राम्स में और यहाँ पे कितना है नाइन ग्राम्स है सो फोर्टी एट के जी एंड नाइन ग्राम्स सो नाइन ग्राम्स को भी थ्री डिजिट्स में लिखो नाइन ग्राम्स मीन्स दिस नाइन विल बी रिटर्न एट वनस प्लेस नाइन इज एट वंस प्लेस टेंथ प्लेस आएगा जीरो हंड्रेड प्लेस आएगा जीरो एंड देन डू द एडिशन ओके सो सिमिलर वे में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है बस एडिशन की जगह एडिशन की साइन लिखो सब्ट्रैक्शन की जगह सब्ट्रैक्शन लिखो और ऑपरेशन परफॉर्म करो बस यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी क्लियरली दैट यू हैव टू राइट द वेट्स इन ग्राम इन थ्री डिजिट्स जो ग्राम में वेट दिया है उसको थ्री डिजिट्स में लिखना है जैसे यहाँ पे फिफ्टी ग्राम था तो आप यहाँ पे नहीं लिखोगे फाइव ज़ीरो फिफ्टी वो हंड्रेड प्लेस में चला जाएगा आपको जो फिफ्टी ग्राम लिखना है उसको वैसे ही लिखना है थ्री डिजिट्स में पहले वंस प्लेस का नंबर लिखो फिर टेंस फिर हंड्रेड्स हंड्रेड्स में कुछ नहीं है फिफ्टी ग्राम है इसलिए हंड्रेड्स में हम जीरो लगाएंगे यहाँ पे नाइन ग्राम था तो नाइन ग्राम को भी आप थ्री डिजिट्स में लिखो वंस टेंस एंड हंड्रेड्स सो नाइन है इसलिए नाइन विल बी एट वंस प्लेस टेंथ प्लेस में कुछ नहीं है इसलिए जीरो हंड्रेड प्लेस में भी कुछ नहीं है इसलिए जीरो सो रिमेंबर दिस पॉइंट वाइल राइटिंग द नंबर्स इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स ओके नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज